हाय फ्रेंड, आज मैं जो है आपको आयल कूलर के बारे में बताऊंगा कि आयल कूलर जो है कितने टाइप के होते हैं और इंजन में कैसे लगता है। आयल कूलर भी कई टाइप के होते हैं। अब ये देखिए, ये जो आयल कूलर हम दिखा रहे हैं ये टाटा कमिंस के इंजन का है। ये जो है आयल को जो है ये ठंडा करता है। होता क्या है कि आयल कूलर जो है वाटर के सर्कुलेशन के बीच में होता है, इसलिए जो है उससे हम दिखा रहे हैं। ये जैसे NT743855 और BT मॉडल में ये आयल कूलर लगता है। ये देखने में तो एक ही तरह होता है, लेकिन क्यों सबों का मॉडल के हिसाब से जो है साइज और लेंथ जो है वो अलग अलग होता है। ये देखिए, इसमें जो ये डिवाइडर टाइप से दिख रहा है तो उसमें क्या होता है, एक साइड से जैसे हमारा वाटर का सर्कुलेशन होता है, दूसरे साइड से हमारा इनकमिंग और आउटगोइंग होता है। ये देखिए, ये हम आपको K6 जैसे यानी KT1150 या K19 और ये KV12 और KV16 इस मॉडल में जो है ये आयल कूलर जो है फिट होता है। ये देखिए, ये भी आयल कूलर उसी मॉडल में फिट होता है क्योंकि ये हैवी होता है, इसीलिए ये जो है बड़े जितने भी मॉडल KV12 KV16 होते हैं उसमें जो है इसी आयल कूलर को जो है हम लोग फिट करते हैं। और ये जो होता है, ये देखिए, ये वाटर का जैकेट है, इसी में जो है इसको फिट करके जो है हमारा जो ब्लॉक होता है उसी में लगता है और ब्लॉक के साइड में होता है। और जैसे KV12 KV16 में क्या होता है, ये जो है बीच में लगता है उस हिसाब से। और इसका काम केवल यही है कि ये जो हमारा लूब ऑयल होता है उसको जो है ये कूलिंग करता है कि जिससे कि हमारा ऑयल प्रेशर जो है, ऑयल का जो है हमारा थिकनेस जो है कम ना हो। इसलिए नहीं तो अगर ऑयल का थिकनेस अगर ऑयल कूलर से अगर गड़बड़ होगा तो हमारा ऑयल जो है वो बहुत पतला हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑयल प्रेशर जो है इंजन में डाउन होने लगता है। इसीलिए हम ऑयल कूलर को लगाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक सब्सक्राइब, हो सके तो अपने दोस्तों को भी इसकी जानकारी के लिए जो है शेयर करें। थैंक यू।